हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट अकाउंटिंग RSNR में। मैं मोहन सुतार, स्मार्ट कंप्यूटर्स रायसनगर से। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे टेली ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रियल बिजनेस में रियल वाउचर्स के साथ जब हम प्रैक्टिकल अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तब हमें GST से रिलेटेड हमारे ट्रेडिंग अकाउंट्स के लेजर और स्टॉक आइटम क्रिएट करते वक्त क्या क्या सावधानियाँ रखनी जरूरी होती है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ आज आपको मैं हमारे बिजनेस के रियल वाउचर से GST के लेजर और स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट होते हैं ये सब कुछ आपको मैं प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी प्रैक्टिस के लिए GST से रिलेटेड वाउचर्स की जरूरत है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर कीजिए, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने कुछ ये टैक्स इनवॉइस है विजय ट्रेडिंग कंपनी के। कुछ इसमें हमारे परचेज इनवॉइस है, कुछ हमारे टैक्सेबल नोट रहेंगे, इसमें हमारे रिसिप्ट वाउचर भी रहेंगे और हमारी परचेज रिटर्न यानी कि क्रेडिट नोट वगैरह भी रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वो वाउचर है जो हमें हमारे सप्लायर्स प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे सप्लायर्स हमारे हमको परचेज इनवॉइस देते हैं, जब हम किसी पार्टी को पेमेंट देते हैं तो वो पार्टी हमें रिसिप्ट वाउचर देती है, हम जब किसी को गुड्स वगैरह वापस करते हैं तो सामने वाली पार्टी हमें क्रेडिट नोट इश्यू करती है। और कुछ वाउचर जो हमारे द्वारा तैयार किए जाते हैं, हमारे सेल्स इनवॉइस, वो भी हमारे सामने हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इन्हीं GST वाउचर से यानी कि ये बिजनेस के रियल वाउचर से टेली ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इसको प्रैक्टिकल तरीके से कैसे मेंटेन करते हैं ये आज आपको मैं बिल्कुल एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी प्रैक्टिस के लिए इन अकाउंटिंग वाउचर की अगर जरूरत है तो आप हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे टेली ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे, जहाँ पे हम इन वाउचर को कैसे मेंटेन करते हैं ये सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले टेली ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में GST वाउचर को एंट्री करने से पहले हमें GST को इनेबल करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टेली पे जाके यानी कि टेली के होम पेज पे आके हम F11 बटन प्रेस करेंगे, या हम हमारे शॉर्टकट की से यहीं से भी जा सकते हैं। F11 का जो हमारा शॉर्टकट बटन यहाँ पे दिया होता है फीचर्स का, हम इस पर क्लिक करके भी उस फंक्शन पर जा सकते हैं, लेकिन मैं F11 बटन ही प्रेस करूंगा। और इसके बाद मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा स्ट्रेचरी एंड टैक्सेशन का, हमें ये फंक्शन चुनना पड़ेगा स्ट्रेचरी एंड टैक्सेशन का, और इस पर मैं इंटर प्रेस करता हूं। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुल के आएगा और इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमें मिलेगा देखने को इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि GST, और ये बाय डिफॉल्ट टैली में नो रहता है और इसकी सेट डिटेल भी नो ही रहती है। तो हमें इस फंक्शन को यस करना होगा, तो मैं इसको यस करूंगा और इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन डालने के लिए भी इसको यस करना पड़ेगा। तो जैसे यस करूंगा तो सबसे पहला ऑप्शन हमें पूछेगा स्टेट का, तो स्टेट में राजस्थान को सिलेक्ट करूंगा, और सेकंड ऑप्शन हमें पूछेगा रजिस्ट्रेशन टाइप। तो फ्रेंड्स, ये लास्ट वीडियो में मैंने बताई थी कि रजिस्ट्रेशन टाइप में क्या कुछ आता है। इसमें हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दो तरीके से ऑप्शन पूछता है, कंपोजिशन या रेगुलर। तो ये मैंने लास्ट पिछली वीडियो में कंपोजिशन और रेगुलर के बारे में एक स्पेशल वीडियो में बना चुका हूँ, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें, और उस वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इसमें से रेगुलर को ही सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि अभी हमारा जो बिजनेस में अकाउंटिंग वर्क करने जा रहे हैं वो रेगुलर ऑप्शन की करने जा रहे हैं। तो मैं रेगुलर को सिलेक्ट करूंगा और इसको GST एप्लीकेबल 1/4/2020, और यहाँ पे हम GST नंबर यानी कि हमारी कंपनी खुद की कंपनी का है, श्री श्याम ट्रेडर्स का, इस कंपनी का हम यहाँ पे GST नंबर डालेंगे। तो यहाँ पे मैं GST नंबर हमारी श्री श्याम ट्रेडर्स का डाल रहा हूँ मैं, और उसके बाद हमें अगला नेक्स्ट ऑप्शन पूछेगा प्रायोरिटी ऑफ GST R1। तो फ्रेंड, इसमें दो ऑप्शन हमसे पूछ रहे हैं, मंथली या क्वार्टरली, लेकिन अभी मैं मंथली सिलेक्ट करूंगा, और मंथली और क्वार्टरली में डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा GST R1 का और ईवे बिल के संबंधित रहेगा। तो इसमें मैं सिलेक्ट करूंगा मंथली को, और ये ईवे बिल एप्लीकेबल इसको भी मैं एक बार यस करूंगा। तो फ्रेंड्स, एक बार ईवे बिल होता क्या है आपको मैं थोड़ा सा इसकी हिंट दे दूं, गवर्नमेंट ने एक रूल बना रखा है, अगर आप किसी भी व्यक्ति को या भी किसी भी पार्टी को किसी भी कंपनी को अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा का इनवॉइस अगर आप सेल करते हो तो उस कंडीशन में आपको ईवे बिल ऑनलाइन जाके बनाना होता है। तो फ्रेंड्स, ये ऑनलाइन ईवे बिल बनता कैसे है, क्या इसकी वेबसाइट है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा। तो इसको मैं एंटर करके एक्सेप्ट करके इसको मैं सेव करूंगा, और इसको फंक्शन को भी मैं एंटर एक्सेप्ट करके इसको भी मैं सेव करूंगा। तो फ्रेंड्स, अब हमारा GST फंक्शन है जो चालू हो चुका है, और सबसे पहले हम हमारे स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे GST संबंधित।
जो आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये जीएसटी आइटम हम लेजर भी पहले क्रिएट कर सकते थे, लेकिन हम जीएसटी लेजर पहले क्रिएट नहीं करेंगे, हम स्टॉक आइटम को पहले क्रिएट करेंगे। क्योंकि जब स्टॉक आइटम हम क्रिएट करेंगे तो उस कंडीशन में हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे बिजनेस में किस किस टाइप का बिजनेस होता है। तो फ्रेंड, अभी आपके स्क्रीन के सामने कुछ हमारे कॉस्मेटिक के भी प्रोडक्ट है इसमें, और कुछ हमारे किरियाना गुड्स के भी प्रोडक्ट है, और कुछ इलेक्ट्रिकल्स के भी प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे बिजनेस के अंदर हम तीन टाइप का बिजनेस करते हैं। इसमें हम कॉस्मेटिक के गुड्स परचेज सेल भी करते हैं, किरियाना गुड्स से भी सेल परचेज करते हैं, और इलेक्ट्रिकल के गुड्स भी सेल परचेज करते हैं। तो इनका लेजर कैसे क्रिएट करेंगे? तो सबसे पहले हम स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। तो स्टॉक आइटम क्रिएट करने से पहले हम सबसे पहले हमारे गेटवे ऑफ टैली पे, और गेटवे ऑफ टैली के बाद हमारा मास्टर्स मेन्यू में इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे, यानी कि हम ये ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन को। तो मैं सेलेक्ट करूँगा इन्वेंट्री इन्फो। इस पर सेलेक्ट करने के बाद हम सेलेक्ट करूँगा स्टॉक आइटम, और स्टॉक आइटम को सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट, क्योंकि हमें स्टॉक आइटम नहीं क्रिएट करनी है, तो क्रिएट करूँगा मैं। तो सबसे पहले मेरे पास आइटम शो हो रही है क्लिनिक प्लस शैम्पू, 350 ग्राम का प्रोडक्ट है। अले उपनाम अभी कुछ भी नहीं देंगे अंडर। अब मेन, अब सबसे जो हमारे सामने प्रॉब्लम फेस होती है वो यही होती है भी हम इसको अंडर में क्या रखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमें पता है भी क्लिनिक प्लस एक कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट्स है, ये कोई किराना का प्रोडक्ट्स नहीं है, कोई इलेक्ट्रिकल का प्रोडक्ट्स नहीं है। तो हम यहाँ पे एक नया ग्रुप क्रिएट करेंगे कॉस्मेटिक गुड्स का, और हमें पता है भी जो हमारी क्लिनिक प्लस जीएसटी आइटम है ये जीएसटी 28% की कैटेगरी में आती है। तो हम एक नया ग्रुप यहाँ पे क्रिएट करेंगे, एल्ट प्लस से यहाँ पे शॉर्टकट बटन से क्रेस करेंगे, तो हमारे सामने स्टॉक ग्रुप क्रिएटेशन का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि स्टॉक ग्रुप क्रिएशन सेकेंडरी ऑप्शन हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कॉस्मेटिक गुड्स जीएसटी 28%, यानी कि ये जो प्रोडक्ट 28% की कॉस्मेटिक का कोई भी प्रोडक्ट रहेगा वो हम इस ग्रुप में ही रखेंगे इसको, और मैं इंटर प्रेस करते इसको एक्सेप्ट करूँगा। और उसके बाद यूनिट्स, अब यूनिट्स का मीन्स हम इसको किस यूनिट में बेचते हैं। तो ये यूनिट हमारी, हम इसको पीस में सेल करते हैं, तो अभी हमारे सामने पीस का नहीं है, तो हम इसको एल्ट सी करके शॉर्टकट यहीं बना देंगे, और इसका हम सिंबल दे देंगे पीसीएस, और फॉर्मल नेम है इसका फुल फॉर्म। और यूनिट क्वांटिटी कोड यानी कि यूकेसी, अब ये हमारे जीएसटी के अंदर इसका कोड देना जरूरी हो जाता है, तो हम इसमें भी मैं पीसीएस को ही सिलेक्ट करूँगा मैं। और नंबर ऑफ डेसिमल हमें 0 ही रखना है, क्योंकि ये हमें कोई मल्टी यूनिट में सेल नहीं करना, तो इस तरीके से एक्सेप्ट करूँगा मैं। और अल्टरनेट यूनिट हमें कोई एप्पल की जरूरत अभी है ही नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो रहने वाला वो ट्रेजरी इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स। अब जो भी हम जीएसटी के दौरान कोई स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, हमें यहाँ पे जीएसटी की डिटेल डालनी बहुत ही कंपलसरी है। तो जैसे जीएसटी एप्लीकेबल करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, तो उसके बाद में सेट जीएसटी डिटेल, इस फीचर को आपको यस कंपलसरी करना होगा। आप जैसे इसको यस करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का लेआउट आपको दिखेगा। तो फ्रेंड, सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे सामने श्योर है डिस्क्रिप्शन का, मतलब ये किस चीज़ का प्रोडक्ट है, तो हम इसको कॉस्मेटिक डालेंगे। और सेकंड ऑप्शन आ रहा है एचएसएन कोड, यानी कि जो हमारे प्रोडक्ट का एचएसएन कोड होता है, वो एचएसएन कोड भी हम यहाँ पे डालेंगे। वो एचएसएन कोड हमें कहाँ से मिलेगा, वो हमारे जब परचेज इनवॉइस पे हम देखते हैं तो यहाँ पे एचएसएन कोड लिखे होते हैं। और इसी एचएसएन कोड के बाद जैसे हमारे पास ये इनवॉइस है, क्लिनिक प्लस ये प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, और इसका एचएसएन कोड 3305 है। तो आप चाहो तो इसको इनवॉइस को देख के भी बना सकते हो। अगर आप पहले इसको नोट करके रखोगे तो आप जो आपके सामने स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रही थी अभी, उसको देख के भी आप बना सकते हो। तो एक बार हम जल्दी से स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक गुड्स, और इसका एचएसएन कोड। फ्रेंड्स, ये सभी इन्फॉर्मेशन हमें डालनी जरूरी है। इज नॉन जीएसटी गुड्स, यानी कि ये नॉन जीएसटी गुड्स तो नहीं है, अभी हमारा टैक्सेबल गुड्स है तो हम इसको नो ही रखेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन टाइप, हमसे ये ऑप्शन पूछ रहे हैं कैलकुलेशन टाइप, यानी कि जो इस आइटम पे जो टैक्स कैलकुलेशन होएगा वो इसकी वैल्यू पे करना है या आइटम रेट पे करना है। हमें आइटम रेट पे नहीं करना, ऑन वैल्यू पे ही रखना है। और सेकंड ऑप्शन टैक्सेबिलिटी के अंदर इसमें इसको रखेंगे टैक्सेबल। इस तरीके से हमारे सामने ये तीन फंक्शन हमें पूछेगा, ये एग्जम्प्टेड है, नील रेटेड है, या टैक्सेबल है। तो ये हमारी टैक्सेबल प्रोडक्ट है तो हम इसको टैक्सेबल प्रोडक्ट में रखेंगे। और उसके बाद ये रिवर्स चार्जेस हमारा नहीं है तो इसको हम नो रखेंगे, और एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट इसको भी हम नो रखेंगे।
तो उसके बाद जो फंक्शन हमारे सामने ये चीज शो हो रही है IGST टैक्स टाइप, यानी कि इंटरग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स या स्टेट टैक्स। तो हम IGST के अंदर इसकी फुल डिटेल डालेंगे, यानी कि 28% का प्रोडक्ट है तो हम IGST के अंदर 28 डालेंगे, तो यहाँ पे CGST और SGST ऑटोमेटिकली 14% हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं इसको एंट्री इंटरसेप्ट करते हुए इसको, और टाइप ऑफ सप्लाइज के अंदर हम यहाँ पे गुड्स रखेंगे, और बाकी अभी कोई भी फंक्शन हमें यस या नो करने की जरूरत एक बार नहीं है, हम इसको सीधा एंट्री एंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। तो इसी तरीके से हम टोटल हमारे पास जो भी स्टॉक आइटम है वो बनाएंगे हम, पेस्ट नाम। अब ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास है, ये है तो कॉस्मेटिक का, लेकिन ये 18% की कैटेगरी का है, तो हम इसका नया ग्रुप क्रिएट करेंगे। कॉस्मेटिक गुड्स GST 18%, इसको एक्सेप्ट करूंगा मैं, सेव करूंगा। और ये भी हम पीसेस के अंदर भी सेल करते हैं, तो पीसेस यूनिट हमारी ऑलरेडी बना रखी है, तो इसमें हम सेलेक्ट करेंगे GST एप्लीकेबल में, इसको यस करेंगे, और इसके अंदर भी हम कॉस्मेटिक देंगे, और इसका HSN कोड 3306, और ऑन वैल्यू और टैक्सेबल रेट सेम। इसी तरीके से ये इस पर 18% है, तो हम IGST में डालेंगे 18%, तो ये CGST और SGST 9% ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा। एंटर एंटर करते हैं, हम इसको सेव करेंगे। इसी तरीके से हम सारी आइटम हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, हेयर ऑयल 100 ml, यानी कि अब ये भी हमारा कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट्स है 18% का, तो कॉस्मेटिक गुड्स GST का 18% ऑलरेडी हमने ग्रुप बना रखा है, तो हम इसी में से सिलेक्ट करेंगे। और ये भी हम पीसीस में सेल करते हैं, और इसको भी नॉट एप्लीकेबल, और GST डिटेल में इसको यस करेंगे, तो ये भी हमारा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में आता है, और इसका HSN कोड 3305, और इसको हम टैक्सेबल, और IGST इसका 18%। तो इस तरीके से इंटर इंटरसेप्ट करते हुए इसको भी हम सेव कर देंगे। नेक्स्ट आइटम थे हमारे पास निखार ऑयल 450 ml, तो ये भी 18% का प्रोडक्ट है, ये पीसी में रहेगा, एप्लीकेबल यस, ये हमारा कॉस्मेटिक है। फ्रेंड्स, ये हमारे स्टॉक आइटम क्रिएट करते वक्त हमें ये इन्फॉर्मेशन डालनी कंपलसरी है, अदरवाइज हमारी जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आने वाली है, जैसे GST रिटर्न वगैरह, उसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। ये स्टॉक आइटम में हमें इन्फॉर्मेशन डालनी कंपलसरी होती है। तो इसी तरीके से सर्स की 1 लीटर, और ये हमारा अब ये सर्स घी, यानी कि अब ये हमारा किराना का प्रोडक्ट्स आ गया, और ये किराना का 12% का प्रोडक्ट है, यानी कि इस सर्स घी पे GST 12% लगता है, तो हम यहाँ पे एक नया ग्रुप क्रिएट कर देंगे, किराना गुड्स GST 12% का प्रोडक्ट है ये। फ्रेंड्स, हमें ये ग्रुप बनाने से क्या फ़ायदा है, हम जब ग्रुप क्रिएट करके और परचेज और सेल की जब एंट्री करेंगे, तब हम इस चीज़ को समझेंगे भी हमें ग्रुप बनाने का फ़ायदा क्या होगा। और ये भी हम पैकेट में सेल करेंगे इसको, यानी कि एक एक लीटर के पर, आप इसको पीसीस में भी रख सकते हो और पैकेट में भी रख सकते हो, एप्लीकेबल यस। अब इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो हम दे देंगे किराना गुड्स का, और इसका HSN कोड है 0405, ऑन वैल्यू यानी कि टैक्सेबल, और अब यहाँ पे जो IGST है वो 12% रखेंगे, तो 6% ऑटोमेटिकली CGST और SGST हो जाएगा, और इसको भी हम सेव करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट आइटम है इसका LED बल्ब 25 वाट, और ये इसका LED बल्ब, यानी कि अब ये हमारा इलेक्ट्रिकल के प्रोडक्ट आ चुका है, अब इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट यानी कि अब ये भी 12% का है, तो हम यहाँ पे एक नया ग्रुप क्रिएट करेंगे, इलेक्ट्रिकल गुड्स GST 12% का ये स्टॉक रहेगा। तो ये भी हमारा पीसीस में हम सेल करते हैं इसको, और GST एप्लीकेबल यस। अब यहाँ पर हम इसको इलेक्ट्रिकल गुड्स टाइप करेंगे, और इसका HSN कोड जो रहेगा 9405, और इस तरीके से हम इसको भी टैक्सेबल करके और नेक्स्ट आइटम इंटरेटर सेट करके इसको सेव करेंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट आइटम रहेगी 5 वोल्ट की, और ये भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल का 12% का प्रोडक्ट है, तो ग्रुप ऑलरेडी हमारे पास क्रिएट हुआ है, इसको भी हम
और इसका HSN कोड 9405 वैल्यू, और इसको हम टैक्सेबल में डालेंगे। और ये भी हमारा 12% का रहने वाला है। तो इस तरीके से हम सारी आइटम को क्रिएट कर लेंगे। और नेक्स्ट आइटम थी हमारे पास टाटा साल्ट 500 ग्राम। अब ये हमारे पास टाटा साल्ट यानी कि ये किराना गुड्स का प्रोडक्ट है लेकिन टैक्स फ्री का है। तो हम इसका एक नया ग्रुप क्रिएट करेंगे यहाँ पे, किराना गुड्स GST फ्री, यानी कि इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो इस कंडीशन में हम ये हम पैकेट में सेल करेंगे इसको, तो हम पैकेट में लेंगे एप्लीकेबल यस। अब यहाँ पर भी हम किराना गुड्स ही टाइप करेंगे और इसका साल्ट का HSN कोड 2501 ऑन वैल्यू। लेकिन अब इसको यहाँ से हम, ये टैक्स फ्री आइटम है, तो जब टैक्स फ्री आइटम अगर आपके सामने कोई आई तो इसके हम एग्जम्प्ट सेलेक्ट करेंगे, इसको हम टैक्सेबल नहीं लेंगे। और जैसे एग्जम्प्ट करेंगे तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पूछेगा ये। इस तरीके से हम इंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। और नेक्स्ट आइटम थी हमारे पास वॉल फैन 400 हम, और यानी कि इसका एक ग्रे कलर का है, और ये भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल का प्रोडक्ट है, ये 18% का है। अब इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट हमारे पास 12% का है, तो हम इसको इलेक्ट्रिकल का एक 18% प्रोडक्ट यानी कि एक ग्रुप बना देंगे इसके। गुड्स GST 18%, इस तरीके से इसको भी हम सेव करेंगे। और ये भी हम पीसीस में सेल करेंगे एप्लीकेबल यस। और ये हमारा इलेक्ट्रिकल का प्रोडक्ट है और इसका HSN जो कोड रहेगा 8414 ऑन वैल्यू, और ये टैक्सेबल प्रोडक्ट है और इस पर भी GST 18% लगता है। तो इस तरीके से हम एंट्री इंटरसेप्ट करके इसको सेव कर देंगे। और एक आइटम जो लास्ट हमारे पास बची हुई है शुगर की। अब शुगर स्टॉक आइटम हमारे पास ऑलरेडी क्रिएट थी पहले, तो हम उसको मॉडिफाई करेंगे, हम नया क्रिएट नहीं करेंगे उसको। जैसे हम इसको शुगर क्रिएट करेंगे किराना गुड्स, अब ये हमारे पास किराना गुड्स यानी कि शुगर पे GST 5% की लगती है, तो हम किराना गुड्स का एक नया ग्रुप इसको क्रिएट करके देंगे किराना गुड्स GST 5% का प्रोडक्ट है। तो इसी तरीके से इसको एप्लीकेबल करेंगे। अभी यहाँ पर भी हम किराना गुड्स टाइप करेंगे डिस्क्रिप्शन में और इसका HSN कोड 3501 ऑन वैल्यू टैक्सेबल, और ये 5%, तो 5% करेंगे तो यहाँ पे हमें CGST और SGST और 2.5% ऑटोमेटिकली ही भी कर देगा। और हम इसको एंटर एंटर प्रेस करते हुए सेव करेंगे। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारे पास सारी स्टॉक आइटम जो हमारी नए इन्वॉइस में GST इन्वॉइस में सारी हमने क्रिएट कर ली है। तो अब इसके बाद हम सबसे पहले लेज़र क्रिएट करेंगे हमारे। तो फ्रेंड्स अब लेज़र हमारे पास अलग अलग टाइप के क्रिएट होंगे। अब लेज़र क्रिएट करने का तरीका, सबसे पहले हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, उसके बाद लेज़र्स पर जाएंगे और क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है भी हमारे पास एक कॉस्मेटिक 28% का भी प्रोडक्ट है, तो सबसे पहले हम एक लेज़र क्रिएट करेंगे कॉस्मेटिक गुड्स का। कॉस्मेटिक गुड्स GST 28% परचेज। फ्रेंड अब इस पूरे नाम से हमें एक लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा कॉस्मेटिक गुड्स। अब केवल हमें ये नहीं लिखना GST 28% परचेज। अब आप ये भी कहोगे भी GST 28% परचेज लिखने से भी हमारी परचेज की एंट्री हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, मैं आपसे इस बात से बिल्कुल एग्री हूँ। लेकिन GST 28% सीधा परचेज लिखने से आपको क्या नुकसान होएगा, और आप पूरा वर्ड अगर लिखते हो इसकी जगह जैसे अभी मैंने आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो आपको मैं ये जब एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी परचेज और सेल की, तब आपको मैं इस दोनों में डिफरेंस दिखाऊंगा। तो आप जुड़े रहना, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो ये अंडर में रहेगा हमारा परचेज काउंट। तो अब ये ट्रेजरी इन्फॉर्मेशन GST एप्लीकेबल में हमने मांग लिया कि इस GST एप्लीकेबल के इस आइटम जो लेज़र आपने क्रिएट किया है इस पर GST एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल होएगा। इसको डिटेल को भी यस करेंगे हम। अगर आप डिटेल को इसको यस अगर नो भी करना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको नो भी रख सकते हो। और टाइप ऑफ जो सप्लाई है हमारी, इसके अंदर हम गुड्स रखेंगे क्योंकि ये हमारी लोकल की परचेज है। अब इसके चाहे तो हम इसके आगे हिंट भी दे सकते हैं, यहाँ पे परचेज है जो हमारी लोकल, यानी कि ये हमारी राजस्थान के अंदर परचेज सेल करने के लिए ये लेज़र हमने क्रिएट की है। अगर हमें कोई IGST यानी कि आउट ऑफ स्टेट से अगर कोई परचेज करना पड़ेगा तो इसकी वर्डिंग हम चेंज करेंगे। तो परचेज अकाउंट और एप्लीकेबल और सेट डिटेल आपको नो रखनी पड़ेगी लोकल की कंडीशन में। जब IGST का लेज़र बनेगा तब हम इसको यस भी करेंगे।
इंटरेस्ट के एक्सेप्ट करेंगे। तो सेम इसी तरीके से हम इसको एक आईजीएसटी का भी लेजर क्रिएट करेंगे। अब आईजीएसटी कब यूज होता है, जब हम आउट ऑफ स्टेट से गुड्स परचेज करेंगे तब। तो ये हमारा परचेज का लेजर एप्लीकेबल। अब हमें इस फंक्शन को यस करना पड़ेगा सेट डिटेल को, जो हमारे सामने फंक्शन दे रहा है इज जीएसटी एप्लीकेबल। अब लोकल के एप्लीकेबल तो आपको यहाँ पे रखना ही पड़ेगा, चाहे आप लोकल कर रहे हो चाहे आईजीएसटी परचेज कर रहे हो। लेकिन आप आईजीएसटी परचेज का अगर कोई लेजर क्रिएट कर रहे हो तो इस फंक्शन को हमें यस करना पड़ेगा। और जैसे हम इसको यस करेंगे तो कुछ इस तरीके का इन्फॉर्मेशन हमें पूछेगा। तो लेकिन हम यहाँ पे कोई एचएसएन कोड वगैरह यहाँ पर कुछ भी नहीं देना, हम सेलेक्ट करेंगे ओनली नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को, जो हमारे सामने सेलेक्ट हो रही बाई डिफॉल्ट यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है। और इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है इंटर स्टेट टैक्सेबल परचेज, इसको ही सिलेक्ट करना है। अब इसी तरीके से आपको मिलती जुलती काफ़ी चीज़ें और भी मिलेंगी आपको, लेकिन हमें केवल और केवल इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल को ही सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर हम टाइप करेंगे आईजीएसटी में 28% और इसको गुड्स को सिलेक्ट करके एक्सेप्ट कर देंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास कॉस्मेटिक के 18% के भी प्रोडक्ट हैं, तो हम एक लेजर क्रिएट करेंगे कॉस्मेटिक गुड्स 18% परचेज। अगर आप इसको दो हम बनाएंगे, एक तो लोकल का परचेज करेंगे और एक आईजीएसटी भी करेंगे, परचेज एप्लीकेबल यस, और एंटर एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब लोकल की कंडीशन में हमें सेट जीएसटी डिटेल यस करने की जरूरत भी नहीं है। और जो नेक्स्ट था हमारा एक आईजीएसटी परचेज, उस कंडीशन में हम देख लेते हैं आईजीएसटी। तो इस तरीके अब इसको यस करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम डालेंगे इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल और ये हमारा 18% का प्रोडक्ट है। फ्रेंड एक चीज़ ध्यान में, जब हम लेजर क्रिएट कर रहे होते हैं, जब एचएसएन और डिस्क्रिप्शन में डालने की कुछ भी जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे होते हैं तब हमें डिस्क्रिप्शन और एचएसएन कोड डालना कंपलसरी है स्टॉक आइटम की कंडीशन में। अब यहाँ पर हम लेजर क्रिएट कर रहे हैं और इसको हम एंटर एंटर करके यस करेंगे। तो सेम इसी तरीके से हमारे पास 18% का भी लेजर बन गया। और हम क्रिएट करेंगे किरियाना गुड्स का, किरियाना गुड्स जीएसटी 12% परचेज। एक इसी कंडीशन में हम लोकल का तैयार करेंगे, हमारी परचेज परचेज की कंडीशन में इसको नो भी रख सकते हैं। और एक हम तैयार करेंगे आईजीएसटी का, परचेज और यस, और इस कंडीशन में हम इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल देंगे। और ये हमारा 12% का प्रोडक्ट है, तो हम आईजीएसटी 12% को सिलेक्ट करेंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिकल गुड्स भी हैं, तो हम इलेक्ट्रिकल गुड्स का भी लेजर क्रिएट करेंगे 12% का, इलेक्ट्रिकल गुड जीएसटी 12% परचेज, यानी कि ये हमारी लोकल की परचेज रहेगी, यस नो। और इसी तरीके से हम एक आईजीएसटी का भी एक लेजर क्रिएट करेंगे, परचेज आईजीएसटी की कंडीशन में इसको यस करेंगे। और इंटर स्टेट टैक्सेबल हमें सेलेक्ट करना कंपलसरी है, यहाँ पर हम 12% है। तो फ्रेंड ये ओनली परचेज लिखने में और ये कॉमोडिटी का पूरा नाम साथ लिखने में क्या बेनिफिट रहेगा, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास किरियाना गुड्स एक्जम्प्टेड का भी एक लेजर बनाना पड़ेगा, जीएसटी फ्री परचेज। ये ऑलरेडी हमारे पास ये नमें दिखा रहा है मिन नेम एलईडी एग्जिस्ट, यानी कि ये इस नाम से हमारे पास लेजर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, तो हमें इसको बनाने की जरूरत भी नहीं है। और हमारे पास किरियाना गुड्स जीएसटी 5% परचेज, ये हमारा परचेज में रहेगा अगर हम लोकल की परचेज कर रहे हैं तो। और इंटरनेट प्रेस करते हैं इसको, तो इस तरीके से हमारे टोटल परचेज के लेजर क्रिएट हो चुके हैं। और इसी तरीके से अब हमें सेल्स के भी लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप सेल में ये चीज़ देखना चाहो भी आप कौन कौन से प्रोडक्ट आपने आईजीएसटी में सेल किए, तो आप हमारे सेल्स इनवॉइस भी देख सकते हैं। तो ये हमारे राजस्थान में सेल है, तो इसका मतलब भी इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। और ये हमने एक अजय ट्रेडिंग कंपनी को आउट ऑफ स्टेट, यानी कि इसमें हमने दंत क्रांति यानी कि सरस घी और ये चार प्रोडक्ट हैं जो हमने आईजीएसटी के अंदर सेल किए हैं, तो केवल हम इन्हीं का एक बार आईजीएसटी का लेजर क्रिएट कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे दंत क्रांति, यानी कि ये कॉस्मेटिक 18% का प्रोडक्ट है, तो 18% हमने लोकल में भी सामान सेल किया और आईजीएसटी का सेल भी किया है।
तो हम दोनों तरीके से लेज़र हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, कॉस्मेटिक गुड्स GST 18% सेल्स लोकल, अंडर में हमारा सेल्स रहेगा। अगर लोकल की कंडीशन में भी हम इसको नो रखेंगे और GST को तो नो रखेंगे और GST एप्लीकेबल को एप्लीकेबल रखेंगे। और इस तरीके से अगर हम IGST का अगर हम लेज़र क्रिएट करेंगे तो IGST का वर्डिंग यहाँ पे देंगे, सेल्स अकाउंट में सेल्स रखेंगे इसको और एप्लीकेबल, और इस कंडीशन में इसको यस करेंगे। और जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है, परचेज की कंडीशन में तो हमने इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल किया था और इस कंडीशन में हम इंटरस्टेट सेल टैक्सेबल को सेलेक्ट करेंगे। ये जो फंक्शन हमारे सामने श्योर है इंटरस्टेट टैक्सेबल, केवल सेल की कंडीशन में अगर आउट ऑफ स्टेट सेल अगर करें तो इंटरस्टेट सेल टैक्सेबल ये सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारी 18% की है तो IGST के अंदर 18% चार्ज करेंगे। तो इस तरीके से इंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। और जो नेक्स्ट लेजर था हमारे पास 12% का किराना गुड्स का, किराना गुड्स GST 12% सेल्स, यानी कि ये हमारी लोकल की सेल रहेगी तो लोकल में सेल्स अकाउंट और इसको नो ही रखेंगे। और आउट ऑफ कंडीशन की यानी कि आउट ऑफ स्टेट की कंडीशन में हम IGST वर्ड यूज़ करेंगे और IGST वर्ड की कंडीशन में हम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में हम इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल ये भी टाइप करेंगे और इसको एंटर करते हम एक्सेप्ट करेंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल गुड्स का भी प्रोडक्ट था, इलेक्ट्रिकल गुड्स GST 18% सेल्स लोकल, और इसी कंडीशन में एक हमारा एक IGST भी था, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल 18%। और एक हमारे सामने इसको शुगर भी सेल करी थी यानी कि GST 5% की, तो किराना गुड्स GST 5% सेल्स लोकल, लोकल का मीन्स यानी कि हमने केवल और केवल राजस्थान में ही इसको सेल किया है और IGST की कंडीशन में यानी कि हमने आउट ऑफ स्टेट इसको सेल किया है, तो आउट ऑफ सेल की कंडीशन में इसको यस करेंगे और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में इंटरस्टेट सेल टैक्सेबल को सिलेक्ट करेंगे। और इस कंडीशन में यहाँ पे हम 5% टाइप करेंगे और जो टाइप ऑफ सप्लाई इसको गुड्स रखेंगे और इंटर सेट करते इसको सेल करेंगे। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने ये हमारे लेज़र परचेज और सेल के लेज़र तो क्रिएट हो चुके हैं, लेकिन अब हमें जो लेज़र क्रिएट करने पड़ेंगे SGST टैक्स, CGST टैक्स और IGST टैक्स के। तो फ्रेंड आपको ये तीनों लेज़र भी आपको अलग अलग टाइप के करने पड़ेंगे, आउटपुट के आपको अलग क्रिएट करने होंगे और इनपुट के आपको अलग क्रिएट करने होंगे। तो सबसे पहले हम आउटपुट के क्रिएट कर लेंगे, आउटपुट CGST टैक्स, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है तो CGST टैक्स इसको हम अंडर में रखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस को, और टाइप ऑफ ड्यूटीज में GST। और अब यहाँ पे हमें टैक्स टाइप अगर इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं तो हम इसमें से अगर हम टैक्स लेजर बना रहे हैं CGST का, तो CGST की कंडीशन में टाइप ऑफ टैक्स में हम सेलेक्ट करेंगे सेंटर टैक्स को। और अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन के डालने की ज़रूरत भी नहीं है और नॉट एप्लीकेबल करते इसको हम सेल कर देंगे। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट लेजर जो बनेगा आउटपुट CGST की जगह SGST टैक्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ये भी GST में रहेगा। और अब टैक्स टाइप में अभी हम स्टेट टैक्स को सेलेक्ट करेंगे और एंटर एक्सेप्ट करेंगे। और इसी तरीके से आउटपुट हमारा एक IGST टैक्स भी रहेगा, हम इसको IGST सेलेक्ट करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST और IGST की कंडीशन में हम यहाँ से इसको इंटीग्रेटेड सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जो ये IGST कंडीशन में, यानी कि सेंटर की अगर हम CGST का लेजर क्रिएट करें तो सेंटर टैक्स करेंगे और स्टेट अगर SGST टैक्स क्रिएट करें तो स्टेट टैक्स, और IGST की कंडीशन में इंटीग्रेटेड टैक्स सेलेक्ट करेंगे। और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन देने की हमें जरूरत भी नहीं है। तो इस तरीके से आउटपुट के भी लेजर बनेंगे और इस तरीके से हमें इनपुट के भी लेजर बनाने पड़ेंगे, इनपुट CGST टैक्स, तो
तो ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रहेगा, ये जीएसटी में काउंट होएगा और इसको सीजीएसटी यानी कि सेंटर का टैक्स तो हम इसको नॉट एप्लीकेबल करेंगे। तो फ्रेंड्स आप ये कहोगे मेरे को केवल सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स लगने से भी हमारा काम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा वो आपको मैं बता दूंगा। इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा अगर आप इसको प्रैक्टिकल तरीके से अगर आप वर्क करना चाहते हो तो आपको इसी तरीके से वर्क करना पड़ेगा जैसे आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये हमारा स्टेट का टैक्स रहेगा, एंट्रेंस इसको एक्सेप्ट करेंगे और इस तरीके से हमारे पास आईजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी और इंटीग्रेटेड टैक्स। तो इस तरीके से ये भी लेजर हमारे सामने क्रिएट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम हमारा अकाउंटिंग वाउचर एंट्री करेंगे परचेज इनवॉइस की। तो इसके लिए सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन मेन्यू में अकाउंटिंग वाउचर पर एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे इंटरप्रेस करेंगे तो हमारे सामने सेल्स का इनवॉइस आएगा। हमें परचेज लाने के लिए हमारी शॉर्टकट जो कमांड होती है F9 की, हम कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसका इनवॉइस नंबर पूछेगा, तो हम चलते हैं हमारे परचेज इनवॉइस पे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे सामने एक टैक्स इनवॉइस है विजय ट्रेडिंग कंपनी का, हम इसको देखते हैं किस तरीके से मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले हम इनवॉइस नंबर हमें सेलेक्ट करना होगा 1457, और जो इसकी इनवॉइस की जो डेट है वो डेट ऑफ इनवॉइस 1/5, तो हम डेट सेलेक्ट करने के लिए F2 सेलेक्ट करेंगे 1/5। आप सप्लाई रेफरेंस में भी आप 1457 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन पार्टी अकाउंट नेम में हम सेलेक्ट करेंगे विजय ट्रेडिंग कंपनी को, क्योंकि मैंने विजय ट्रेडिंग कंपनी से गुड्स परचेज किए हैं और हमारे सामने अभी विजय ट्रेडिंग कंपनी का कोई भी लेजर क्रिएट नहीं है। तो हम शॉर्टकट अगर लेजर बनाना चाहें तो Alt+C करके यहीं से भी क्रिएट कर लेंगे, विजय ट्रेडिंग कंपनी। तो ये हमारे सप्लायर्स है यानी कि हमने इसे सामान खरीदा है, तो हम इसको रखेंगे सेंट्रिक क्रेडिटर्स में। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका जिस्ट यानी कि एड्रेस शॉप नंबर 14 सी ब्लॉक है श्री गंगानगर, तो हम इसका भी एड्रेस भी यही टाइप करेंगे। और एंटर प्रेस करते हुए इसको इसका पिन कोड वगैरह हम यहाँ डाल देंगे, तो पैन नंबर। अब हमें पूछेगा रजिस्टर्ड टाइम, ये जो पार्टी है रेगुलर है कंपोजिशन है या अनरजिस्टर्ड है। तो फ्रेंड्स अब हमें कैसे पता चलेगा ये पार्टी रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है या कंपोजिशन डीलर है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसके पास जीएसटी नंबर है तो ये तो कन्फर्म है भी ये रजिस्टर्ड पार्टी है। अभी ये डिफरेंस हमें चेक करना है भी ये कंपोजिशन पार्टी है या रेगुलर है। तो अगर कंपोजिशन पार्टी होती तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स चार्ज नहीं करती, तो इसका मतलब ये पार्टी रेगुलर है यानी कि रजिस्टर्ड पार्टी है। तो हमारी टैली में भी इसको हम रेगुलर पार्टी में सिलेक्ट करेंगे और इसका जीएसटी नंबर यानी कि पार्टी का जो जीएसटी नंबर है विजय ट्रेडिंग कंपनी का जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रखी है इस इन्फॉर्मेशन को हम कॉपी करेंगे यहाँ से। ये जीएसटी नंबर हमें टैली में टाइप करना होता है, तो हमें जगह वेरीफाई पार्टी जीएसटी नंबर हम वेरीफाई एक बार नहीं करेंगे, इसको एंटर सेट करते इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, अब परचेज लेजर में हमें एक चीज़ पूछेगा यहाँ पर, अब हमें यहाँ पे कौन सा लेजर सेलेक्ट करना होगा। तो फ्रेंड्स जब हम जीएसटी की एंट्री कर रहे होते हैं और हमारे पास जो भी परचेज इनवॉइस है उस इनवॉइस में अगर कोई डिफरेंट टाइप का अगर कोई जीएसटी रेट है तो इस फंक्शन को हमको हटाना पड़ेगा यहाँ से। अगर यहाँ से हमने इसको कोई भी पर्टिकुलर मान लीजिए मैंने एक इस चीज़ को सिलेक्ट कर दिया कॉस्मेटिक जीएसटी 18% को और नेम ऑफ आइटम अगर मैं कोई टैक्स फ्री का प्रोडक्ट डालूंगा तो भी इस पर जीएसटी 18% काउंट करेगा। तो फ्रेंड्स अब हमें ये चीज़ चाहिए भी जो प्रोडक्ट जिस कैटेगरी का है वो उसी कैटेगरी में ही जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस फंक्शन को यहाँ से हटाने के लिए हम यहीं पर कीबोर्ड से बटन प्रेस करेंगे F12 या हम यहाँ से शॉर्टकट भी प्रेस कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन, तो लेकिन मैं यहाँ से F12 बटन प्रेस करता हूँ और इसके बाद हमें एक ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा यूज़ कॉमन लेज़र। आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये वाला फंक्शन यूज़ कॉमन लेज़र अकाउंट्स फॉर आइटम एलोकेशन, ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर येस है तो इस फंक्शन को नो करेंगे यहाँ से, तो मैं इसको नो कर देता हूँ और एंटर करते हुए इसको मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो वो फंक्शन यहाँ से हट चुका है। अब इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे हमारी नेम ऑफ आइटम। अब नेम ऑफ आइटम हमारे पास पहली आइटम थी सिस्का एलईडी बल्ब, सिस्का एलईडी बल्ब यानी कि 5 वाट का प्रोडक्ट है और यहाँ पे क्वांटिटी हमसे पूछ रहे हैं, हमने क्वांटिटी परचेज करी है 12
और बेसिक प्राइस, यानी कि यहाँ पर हमको जो रेट डालेंगे वो टैक्सेबल रेट हमें डालना होगा, और इसका जो टैक्सेबल रेट है वो ऑलरेडी 67 रुपये ही है। और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमें पूछेगा ये प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी के हैं, तो जो जीएसटी के लेजर हमने क्रिएट करे थे परचेज के, वो सारे लेजर यहाँ पर आ चुके हैं। अब हमें पता होना चाहिए भी आईजीएसटी परचेज है या लोकल की परचेज है, यानी कि श्रीगंगानगर राजस्थान की परचेज है, तो हम इसको लोकल में सिलेक्ट करेंगे। और ये जो जीएसटी यानी कि ये 12% का हमारा प्रोडक्ट है ये, तो हम इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल गुड्स को, जीएसटी 12% लोकल, हम आईजीएसटी परचेज नहीं करेंगे क्योंकि हमने आउट ऑफ स्टेट से माल परचेज नहीं किया है। सेकेंड आइटम थे हमारे पास शुगर, और शुगर हमने परचेज करी है 3 क्विंटल यानी कि 300 केजी, और हम इसको केजी में सेल करते हैं तो हम इसको 300 केजी ही लेंगे, तो अल्टरनेट यूनिट ऑटोमेटिकली 3 क्विंटल बना देगा। और इसका जो बेसिक प्राइस रहेगा 32 रुपये और 40 पैसे पर केजी का। और ये हमारी किराना गुड्स की परचेज है जीएसटी 5% की, तो हम इसमें सेलेक्ट करेंगे किराना गुड्स जीएसटी 5% परचेज। तो नेक्स्ट आइटम हमारे पास है टाटा साल्ट, टाटा साल्ट की क्वान्टिटी है 18 पीस और 8 रुपये इसका बेसिक प्राइस है, और ये हमारी टैक्स फ्री की परचेज है, तो इसमें किराना गुड जीएसटी फ्री परचेज को सेलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट आइटम हमारे पास निखार हेयर और सोमल, और इसकी जो क्वांटिटी है वो हमारे सामने 50 पीस, और इसका जो टैक्सेबल बेसिक प्राइस है 34 यानी कि 34 रुपये। और ये हमारी इलेक्ट यानी कि कॉस्मेटिक की परचेज है, और इस पर जो जीएसटी लगता है वो 18% का लगता है, तो इसमें सेलेक्ट करेंगे कॉस्मेटिक परचेज 18% की लोकल परचेज। इसी तरीके से निखार 450 ml, और इसमें से सिलेक्ट करेंगे हम 2 बॉक्स, यानी कि अब इसमें अल्टरनेट यूनिट 7 में दे रखी है, और हम इसको बॉक्स में न सेलने के बजाय हम पीस में सेल करते हैं, और यूनिट हम वही क्रिएट करते हैं जो हम सेल की यूनिट हमारी होती है, तो हम इसको 48 पीसेस में लेंगे। अब ये 4800 पीस यानी कि ये टोटल 2 बॉक्स के रेट है, तो हम यहाँ पर इसको डिवाइडेशन कर लेंगे हमारे कीबोर्ड से, यानी कि अगर हम बात करें 4800 भाग 48, यानी कि 100 रुपये का एक पीस हमारा है, तो इसको भी हम 18% कॉस्मेटिक परचेज लोकल में सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आइटम हमारे पास वॉल फैन 400 mm ग्रे, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल का प्रोडक्ट आ गया, और इसकी क्वांटिटी है 14 पीस, और इसका बेसिक प्राइस 1150 रुपये, तो ये हमारा 18% अभी इलेक्ट्रिकल की ये परचेज है हमारी, तो इलेक्ट्रिकल का 18% का लेज़र हमने क्रिएट नहीं किया है, तो हम यहाँ पे एल सी करके शॉर्टकट यहाँ भी क्रिएट कर लेंगे, इलेक्ट्रिकल गुड्स जीएसटी 18% परचेज, और ये हमारी परचेज काउंट है, तो उसको हम परचेज रखेंगे यस और नो। तो इस तरीके से हमारे सामने ये टोटल टैक्सेबल 33268 और 33268 आ चुके हैं। अब हमें इस पर जीएसटी लगाना है, तो हमारी स्टॉक आइटम पूरी होने के बाद हम इंटरप्रेस करेंगे, तो हम इसके स्टॉक आइटम के आगे लेज़र की कंडीशन पे आ जाएंगे, और हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इनपुट सीजीएसटी टैक्स और इनपुट एसजीएसटी टैक्स। तो इस तरीके से टोटल टैक्स की कैलकुलेशन यहाँ पे कर देगा 2325 रुपये और 24 पैसे, तो इस तरीके से यहाँ पे 2325 रुपये 24 पैसे जो हमारे इनवॉइस पे हमें लग के आया है, और वही हमारा टेली सॉफ्टवेयर ने काउंट किया है। तो और इसके अंदर मैंने 100 रुपये का अलग से चार्ज लगा हुआ है किराया भाड़ा, यानी कि फ्रेट एंड फॉरवर्ड चार्जिंग, तो वो हमें लेज़र यहाँ पर भी टेली में भी क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे हमारे पास लेज़र नहीं है फ्रेट का, तो हम इसमें भी फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग, आप ओनली फ्रेट का भी लेज़र बना सकते हो एक्सपेंसेस, तो ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और जीएसटी भी इस पर लगती नहीं है, तो इसको हम नोट एप्लीकेबल करेंगे, और ये 100 रुपये लगा है, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 100 रुपये, और हमें ये राउंड ऑफ भी करना है 48 पैसे का, यानी कि 38018 रुपये नेट इनवॉइस की वैल्यू बनानी है, तो हम इसका एक लेज़र क्रिएट करेंगे राउंडेड ऑफ ऑन ऑफ ऑन, अब इसको रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस में। अब जीएसटी इस पर भी अप्लाई नहीं होती, तो हम इसको भी नोट एप्लीकेबल रखेंगे, तो अब 48 पैसे कम करने हैं, तो -48। तो इस तरीके से ये जो इनवॉइस की जो नेट वैल्यू है 30018 रुपये, और हमारी जो 30018 रुपये इस जो वाउचर में परचेज का वाउचर था उसकी भी वैल्यू यही है, इसका मतलब ये इनवॉइस हमारा एज पर टेली के अनुसार बिल्कुल सही है, और इसको हम इंटर एक्सेप्ट करते हुए इसको सेव कर देंगे, और नरेशन में इसके अंदर
वाउचर से संबंधित अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे, यानी कि इसका अगर कोई भी हमें गाड़ी नंबर वगैरह या कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिली है इस इनवॉइस से संबंधित तो वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। अगर कोई भी आपकी इंक्वायरी नहीं है तो आप इसको बगैर कोई नरेशन दिए भी इसको सेव कर सकते हो। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारे सामने एक परचेज का इन्वॉइस हमने मेंशन किया है। तो इसी तरीके से हम आपको एक सेल्स इन्वॉइस भी आपको मैं मेंटेन करके दिखाता हूँ। तो हमारा सेल्स इन्वॉइस हम लेंगे 004 नंबर। तो इसके लिए हम टेली में जाएंगे और टेली में सेल की कमांड हमारी शॉर्टकट जो कमांड है F8, तो हम F8 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम हमारा इन्वॉइस नंबर 004 यानी कि 3 नंबर तक हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। अगर हम यहाँ पे 003 देंगे तो हमें ये सॉफ्टवेयर एक वार्निंग दे देगा, डुप्लीकेट वाउचर नंबर, यानी कि ये 003 आप डुप्लीकेट चला रहे हो, इसका मतलब ये 003 इन्वॉइस नंबर ऑलरेडी मेंटेन हो चुका है। हम यहाँ पे करेंगे 004 नंबर और इसकी जो डेट है वो 2/5, तो यहाँ से हम डेट F2 करके 2/5 सेलेक्ट करेंगे। और पार्टी नेम हमने किसको सामान के सेल किया है, मुकेश कुमार को, तो हम यहाँ से भी सेलेक्ट करेंगे मुकेश कुमार। और नेम ऑफ आइटम हमने क्या सेल किया है, पहली आइटम जो हमारे सामने निखार हेयर ऑयल 450 ml, और इसकी क्वांटिटी जो है 14 पीस, और इसका जो रेट, ये रेट जो हमारे सामने ये टैक्सेबल रेट है, तो हम इसको एक बार नेट रेट की बजाय हम इसको टैक्सेबल रेट में डाल देंगे 118.64, तो 1660.96 रुपये आ चुके हैं। तो इस तरीके से हमने ये लोकल में सेल करी है और ये हमारा कॉस्मेटिक 18% का प्रोडक्ट है, तो हम इसमें से सेलेक्ट करेंगे कॉस्मेटिक 18% लोकल की सेल। तो यार सारे सेल्स के लेजर हमारे सामने यहाँ पे आ चुके हैं। नेक्स्ट आइटम हमारी है वॉल फैन और इसकी पीस है हमारे पास 7 और इसका टैक्सेबल रेट 1170.97 रुपये। और ये हमारी इलेक्ट्रिकल सेल है 18% की, तो हम इसमें से इलेक्ट्रिकल गुड्स 18% सेल्स लोकल ये बनाएंगे। और नेक्स्ट आइटम हमारे सामने शुगर और इसका भी 12 kg और बेसिक प्राइस इसका 36.19 रुपये और ये हमारी 5% की सेल है, तो हम इसमें सेलेक्ट करेंगे किराना गुड़ GST 5% सेल लोकल। तो जितने भी हमने IGST और जो लोकल के सेल जो हमने लेज़र क्रिएट किए थे वो सारे हमें यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेज़र अकाउंट में शो होंगे, तो इसमें से हम 5% को शो करेंगे जिसका LED 5 वाट। तो इस तरीके से हम इसको भी 5 पीस और 84.82। अभी हमारी इलेक्ट्रिकल की सेल होगी तो हम इसमें इलेक्ट्रिकल सेल को सेलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रिकल गुड्स GST 12% सेल, इलेक्ट्रिकल गुड्स GST 12% सेल्स और लोकल, ये हमारी सेल्स काउंट रहेगा, एप्लीकेबल होएगा नो रहेगा और इसको टाइप ऑफ सप्लाई को गुड्स रखेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट आइटम है टाटा साल्ट और टाटा साल्ट के हमने पैक्ट सेल किए 4 और 13 रुपये का 1 पीस। तो इस तरीके से ये हमारे पास किराना गुड्स टैक्स फ्री की सेल है, तो किराना गुड्स टैक्स फ्री सेल में मेंशन इसको करेंगे। तो टोटल हमारे सामने अब जो टैक्सेबल वैल्यू बन चुकी है 10,817.13 रुपये और हमारे इनवॉइस के अनुसार भी 10,817.13 रुपये बन चुकी है। तो इस तरीके से हम इसको इंटरप्रेस करते, अब यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे आउटपुट CGST टैक्स और आउटपुट SGST टैक्स, तो 12,672.97 रुपये और इसमें हमारा 3 पैसे है जो राउंड ऑफ हुआ है, तो हम इसके अंदर भी हम 3 पैसे को राउंड ऑफ करेंगे 0.03, तो टोटल हमारा 12,673 रुपये का इनवॉइस बन चुका है ये इनवॉइस। और ये इनवॉइस हमारा PDF फाइल में भी है 12,673 रुपये का। तो फ्रेंड्स ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नीचे दी हुई है, भी आपका 9% 18% का प्रोडक्ट है तो इसमें 9% क्या रहेगा, अगर कोई 5% का है तो इसमें 2.5% का कितना CGST और SGST रहेगा। तो इस तरीके से हम इस इनवॉइस को एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर हम इसकी बात करें जो ओनली परचेज लेज़र या ओनली सेल्स लेज़र बनाने में हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती थी वो आपको मैं दिखाता हूँ अभी। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे और इसको यहाँ से मैं Alt F1 प्रेस कर रहा हूँ।
तो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पे सारी चीज़ें शो हो रही है इस प्रोडक्ट में, हमने भी कॉस्मेटिक 18% का जो सेल है, लोकल में 1660 रुपये 96 पैसे का सेल किया है, इलेक्ट्रिकल गुड्स यानी कि GST 12%, हमने 424 रुपये का सेल किया इलेक्ट्रिकल गुड्स 18% का, ये सामान सेल किया है, किराना गुड्स GST 5% सेल लोकल हमने इतनी करी है और किराना गुड्स GST फ्री सेल्स हमने इतनी करी है। तो ये टोटल हमें अलग अलग कॉमोडिटी वाइज सारी शो हो रही है। तो फ्रेंड्स अगर हम ओनली सेल्स का अगर लेजर क्रिएट कर देते तो हमें क्या नुकसान होता है ये आपको मैं बताता हूँ अभी। तो फ्रेंड्स ओनली सेल लिखने से अब ये आपको इस तरीके से डिस्प्ले होएगा, ओनली आपको ये पता चलेगा कि आपने 28% की सेल इतनी कर दी, 12% की GST की सेल आपकी इतनी है और सेल 18% की सेल आपके पास इतनी है। लेकिन अब आपको यहाँ पे कैसे वेरीफाई करोगे भी इसके अंदर 18% में हमारी कॉस्मेटिक सेल्स कितनी है, हमारी इलेक्ट्रिकल गुड्स की सेल कितनी है या हमारे किसी किराना प्रोडक्ट की सेल कितनी है। यहाँ पर आपको केवल इतना शो होएगा भी आपने टोटल अपने बिजनेस में 18% का जो प्रोडक्ट है वो 10,788 रुपये 15 पैसे के आपने सेल कर दिए। लेकिन हमें इनकम टैक्स के हिसाब से कॉमोडिटीज वाइज अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट हमें बनाने पड़ते हैं, तो आपको यहाँ से ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में बहुत मुश्किल होगी। तो इसीलिए हम कॉमोडिटी का नाम हमेशा सेल या परचेज का लेजर क्रिएट करते हैं तो हमें ज़रूर लिखना चाहिए। इसी तरीके से आपको परचेज भी यहाँ पे शो होएगी, ओनली आपको परचेज, आपको इसमें यही परचेज लग रहा है भी GST परचेज 12%, परचेज 18% और परचेज 5%। लेकिन इस 18% की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे पास 18% के कॉस्मेटिक की भी प्रोडक्ट्स हैं और इलेक्ट्रिकल की भी प्रोडक्ट्स हैं, और 12% में अगर बात करें तो हमारे पास किराना के भी प्रोडक्ट हैं और कॉस्मेटिक या इलेक्ट्रिकल के भी प्रोडक्ट हैं। तो हमें ये नहीं पता चलेगा भी इस 12% में ये जो सामान है ये हमारा किराने का है या इलेक्ट्रिकल का या कॉस्मेटिक है, और न इस 18% का जो लेज़र है इसमें हम वेरीफाई कर सकते। तो फ्रेंड्स इसलिए हमें कॉमोडिटी का नाम साथ में लिखना ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब जो भी हमारे नेक्स्ट वाउचर जो पेंडिंग रहेंगे इसका वीडियो का पार्ट 2 मैं बनाने जा रहा हूँ, उसमें हम सारे टैक्सेबल क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न की एंट्री अच्छी तरीके से समझेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें।